अब हम एक्सपेरिमेंट जो करेंगे वो है सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, जिसका सर्किट यहाँ गिवन है। अब फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की इवन वर्किंग में भी फर्क आता है कि जैसे 220 वोल्ट डीसी के ऊपर ये अलग बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा। अब इसमें हम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, हमें सिर्फ दो कनेक्शन तीन कनेक्शन चेंज करने हैं। एक जो ए डबल ए है, डबल ए को यहाँ पे लगाना है जो कि इसका ग्राउंड है, इसका ग्राउंड हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, और जो इसका पॉजिटिव है वो हमें ए पे लगाना है। ये हमारे कनेक्शन हो गए। अब हम मेंस को करेंगे जीरो, फायरिंग को करा जीरो, मेंस को किया ऑन। अब ये फायरिंग पल्स क्या दिखा रहा है, जब फायरिंग ये ऑफ पड़ा, जब आप डी एस सी आर ओ की पर नज़र करेंगे, देखिए जैसे जैसे मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, ध्यान देखना ये भी है, जैसे जैसे मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ मेरी पॉजिटिव फायरिंग कैसे बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव फायरिंग मेरी बढ़ती जा रही है। तो अब मैंने इसको सेट कर दिया, अब मैं इसको सेट कर दिया 171 पे। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ बाकी टेस्ट पॉइंट पे। ये मैंने लगाया, ये मेरा पहला टेस्ट पॉइंट है जीरो क्रॉसिंग, जहाँ मेरी वेट फॉर्म मिली। ये हमारा दूसरा है जहाँ पे इसने रैम्प जनरेट करी है। ये हमारा कंपैरेटर है। अब आप कंपैरेटर में पॉजिटिव फायरिंग देख सकते हैं। मैं जैसे जैसे फायरिंग कम करूँगा ये गायब होता रहेगा और नॉर्मल वेवफॉर्म में जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाऊँगा ये हमारी फायरिंग पल्स बढ़ती है। तो ये है हमारी प्रॉपर वर्किंग, ये है हमारी कंप्लीट वर्किंग इस ट्रेनर की, सिंगल फेज सेमी एंड फुली कंट्रोल रेक्टिफायर ट्रेनर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वेव फॉर्म को जीरो करूँगा, वेट करूँगा मोटर को स्टॉप हो जाने की, फिर मेंस को डाउन करूँगा।